लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you.
करो ये याशी। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़े शरीफ आदमी है। बिल्कुल ठीक कहा तूने, कमजोर्फ और कमीना तो तू है जो मेरी ईमानदारी और सच्चाई की कमाई हुई दौलत को इस तरह याशी में उड़ा रहा है। तो मैं और चमनलाल आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, अपने हिस्से की दौलत हम जिस तरह चाहे उड़ा सकते हैं, क्यों चमनलाल? बिल्कुल ठीक। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम दोनों को अपने बराबरी का दर्जा दिया है और तुम लोगों ने उसका फायदा उठाकर सीमेंट की बोरियों में राख और नकली दवाइयां बनाकर करोड़ों रुपया कमाया है। लेकिन आज मैं अपने आप को तुम दोनों के नाजायज कारोबार से अलग करता हूं। मुझे अभी और इसी वक्त अपना हिस्सा चाहिए। अब जब आप फैसला कर ही चुके हैं तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक सौदा निपटा लूं। मुनी भाई। जी हुजूर। क्या उम्र है इस कयामत की? बुढ़ापे की उम्र होती है, जवानी की तो खड़ियां होती है। तो आज से हमने इसकी जवानी के 10 साल खरीद लिए। हाँ आत्माराम जी, इस दुनिया में हर आदमी अपना नसीब लेके पैदा होता है, लेकिन दौलत दौलत किसी किसी के मुकद्दर में होती है। कल को आपको अफसोस ना हो कि आपने अपने चंद आदर्शों और सिद्धांतों के लिए करोड़ों की दौलत और अपने मुकद्दर को ठोकर मार। सोच लीजिए, आत्माराम को अपनी शराफत और इज्जत करोड़ों से ज्यादा प्यारी है। मुझे बस मेरा हिसाब चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, जैसी आपकी मर्जी। जमुनादास जी, इनका हिसाब किताब कर दीजिए प्लीज। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप बाबू भाई, भला कोई मंदिर जाते वक्त या अय्याशी करते वक्त अकाउंट की फाइलें साथ लेकर घूमता है क्या? आत्माराम जी आप कल ऑफिस में आइए, आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। क्यों ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हिसाब यही और इसी वक्त होगा। ठीक है, अगर आप इसी वक्त अलग होना चाहते हैं तो फिर 25 लाख का चेक बना देता हूँ, लेकर अलग हो जाइए। और हाँ, अगर नाप तोल के हिसाब किताब करना चाहते हैं तो फिर कल सुबह ऑफिस आना होगा। मुझे चेक मंजूर। ओह वेरी गुड, इनके नाम पे 25 लाख का चेक बना। लेकिन चेक देने से पहले इनके पार्टनरशिप से अलग होने के कागजात पर साइन लेना बहुत जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हो जमुनादास जी, इनका नाम आत्माराम है। आत्माराम, वाह, नाम इनकी आत्मा में बसे हुए हैं। ये अपने कॉल से कभी नहीं बदलेंगे। तुम कल सुबह कागजात इन्हें भिजवा देना, दस्तखत कर देंगे। क्यों आत्माराम, ठीक है? ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। पच्चीस लाख, गुड लक। हेलो भी नहीं किया आत्माराम ने। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? रुपया उनकी कमजोरी जरूर है, लेकिन उसे पाने के लिए वो कोई पाप का रास्ता अपनाएगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा ही हो रहा है बहन जी, और उसे इस गलत रास्ते पर चलने से सिर्फ आप रोक सकती हैं। मैं तो भाई साहब आपके सिवा किसी और पार्टनर को नहीं जानती, और ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया कि किन लोगों के साथ कैसा कारोबार कर रहे हैं। फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। देखिए बहन जी, आप चमनलाल को समझाइए कि जुर्म के पेड़ से सिर्फ सजा के फल उगते हैं, जिनसे वो आपका और आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करे। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। बेवकूफों की नसीहत मैं नहीं मानता, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अपने बीवी बच्चों के लिए दौलत कमाना कोई जुर्म या गुनाह नहीं। गुनाह है अगर वह दौलत बाजेश तरीकों से कमाई गई हो। देवकी, जो लोग शराफत और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, गरीबी उनके घर में होती है और बच्चे सड़कों पर। आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे और अपने बेटे के लिए ही ना। मैं अपने बेटे को उस रोटी के मुंह नहीं लगने दूंगी जो रोटी पाप के आटे से बनी हो और गुनाहों की भट्टी में पकी हो। अगर आप गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो मजबूरन मुझे इस घर की दहली छोड़नी होगी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी खुशी के खातिर करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दूँ। ठीक है, तो आप अपनी जिद के साथ रहिए और मैं अपने असूलों के साथ। इसे कहाँ ले जा रही हो? इस पाप के दलदल से दूर, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। पागल हो गई हो क्या? अपनी जिद के खातिर इसका भविष्य बर्बाद करोगी? कहाँ रखोगी, क्या खिलाओगी इसे? ठीक मंगवाओगी या जूते पॉलिश करवाओगी? और जब लोग पूछेंगे कि इसका बाप कहाँ है तो क्या कहोगे? मर गया? इसका बाप मर गया? अगर इसे एक सच्चा इंसान बनाने के लिए मुझे उस झूठ का सहारा भी लेना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कहिए बहन जी। भाई साहब तीलनाथ जी हैं। वो तो कब के ये मकान बेचकर चले गए बहन जी? कहाँ? कुछ पता नहीं। ये क्या है?
ये वो कागजात हैं जिस पे लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे कारोबार से अलग हो रहे हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें 30 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं। इसके बाद तुम्हारा और हमारा कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रहेगा। दस्तखत करो और उठाओ ये चेक। मजाक अच्छा कर लेते हो बाबू भाई। ये मजाक नहीं, हकीकत है चमनलाल। उठाओ इस चेक को और दस्तखत करो इन कागजात पर। तुमने मुझे आत्माराम समझ रखा है क्या, जो करोड़ों के हिस्से के बदले मुट्ठी भर नोट लेके अलग हो जाऊंगा? आत्माराम तो फिर भी अकलमंद था चमनलाल, लेकिन तू तो वो बेवकूफ है जो ये भी नहीं जानता कि शराब खत्म हो जाने पे बोतल, जवानी खत्म हो जाने पे दवाइफ, और काम खत्म हो जाने पे पार्टनर्स को बाबू भाई ठोकर मार के फेंक देता है। क्यों जमनादास, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो फिर भी तुझे 30 लाख रुपए दे रहा हूँ। साइन कर, उठा ये चेक और चलता बन, चल। अगर मैं इनकार कर दूं तो? इनकार कर दूं तो फिर शहर के किसी गटर में पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी जिसमें 6 सुराख होंगे। क्यों बेकार का पंगा ले रहे हो यार, भागते भूत की लंगोटी काफी है, जो दे रहा है ना लेकर भागो। ठीक है, मैं सौदा करने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तेरा लाइट देना जमा। बाबू भाई, अरे अरे अरे, ये क्या किया तुमने? खून कर दिया बाबू भाई का। नौकर ने तुम्हें देख लिया, तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। जाओ जाओ। देखा जमनादास, इसे कहते हैं दिमाग का खेल, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। अब चमनलाल के पीछे इतनी नकली पुलिस लगा दो कि वो ये शहर ही नहीं बल्कि मुल्क छोड़ने पे भी मजबूर हो जाए। क्यों, ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम्हें खून करने की क्या जरूरत थी भाई? उस धोखेबाज को उसके किए की सजा मिलनी जरूरी थी। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? कानून आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर पकड़ लेगा। इसीलिए ये मुल्क आज ही रात को छोड़कर मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। चमनलाल देखो, इस वक्त रुपए तो मेरे पास इतने ही हैं। ये कुछ मेरी बीवी के सोने के जेवर हैं। चलो नहीं लो इन्हें, सोना तो किसी भी मुल्क में बिक सकता है। आत्माराम बाबू भाई कितना ही कमीना आदमी क्यों ना, लेकिन एक बात उसने बिल्कुल सच कही थी कि राम तुम्हारी आत्मा में बसे हुए हैं। इस शहर की जमीन छोड़ने से पहले एक कष्ट मैं तुम्हें और देना चाहता हूं। हाँ हाँ बोलो। हो सके तो मेरे बीवी बच्चे को तलाश करना, जो न जाने इस दुनिया की भीड़ में कहां खो गए हैं। लेखक है रवि वर्मा, अब तक 100 नॉवल लिखे हैं और सभी एक से बढ़कर एक। जासूसी नॉवलों का बेटा आज बादशाह है। अजीब राइटर है, अपनी तस्वीर तक कहीं छपना पसंद नहीं करता, देखने में क्या मालूम कैसा लगता होगा। तस्वीर तो छोड़ो, उसने आज तक किसी को अपना ऑटोग्राफ नहीं दिया। तब तो जरूर बुर्का पहन कर आएगा वो। हाँ
आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, नमस्ते। कलम की तलवार से जिंदगी और मौत का खेल खेलना आपका शौक रहा है, लेकिन आज मौत को इतने करीब पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर रवि वर्मा? जिंदगी हसीन है ये तो मालूम है, लेकिन मौत इतनी खूबसूरत होगी आज पता चला। आपके ये खूबसूरत शब्द मेरा इरादा नहीं बदल सकते। इरादा बदलेगा भी नहीं, बड़ा बदकिस्मत होगा वो कमबख्त जो आपके हाथों मरने से इनकार करेगा। शब्दों से खेलना आपका पेशा है मिस्टर रवि वर्मा, आपके नॉवलों के नौकर भी बड़ी तमीज और बड़ी तहजीब से बात करते हैं, मगर अफसोस आपके बंगले का वॉचमैन निहायत बदतमीज और बदजबान है। मैं 6 दिनों से आपको मिलने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे आपसे मिलने ही नहीं देता, भला ये भी कोई तरीका है किसी शरीफ लड़की से बात करने का? बिल्कुल नहीं, उसे समझना चाहिए कि अकलमंद और खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए। हमसे बड़ी खूबसूरत गलती हुई है, बोलिए क्या सजा देना चाहिए? मैंने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपका ऑटोग्राफ लाऊंगी। ऑटोग्राफ प्लीज? ऑटोग्राफ नहीं, बल्कि ये फूलों का छोटा सा तोहफा और साथ में चाय पीने की दावत। मुझे ही फूल? सर 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 सर, थैंक यू सर, मुझे मालूम था कि आप जितने बड़े राइटर हैं ना उससे भी अच्छे इंसान होंगे, मैंने आपकी सब नॉवलें पढ़ी है सर, मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या मैं अपनी फैन का नाम जान सकता हूँ? वैसे तो मेरा नाम आरती सक्सेना है, लेकिन कॉलेज में सब लोग मुझे जासूस रानी 009 के नाम से पुकारते हैं। Oh, I see. It's a lovely name. श्री वर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके साथ ही इस सभा के अध्यक्ष श्री बाबूबाई जी से प्रार्थना करता हूं कि वो रवि साहब के नावलों की शताब्दी पर चंद शब्द आपके सामने कहें। दोस्तों ये तो वही बात हुई जैसे किसी अनपढ़ से कहा जाए कि PhD का फुल फॉर्म बता। जिस लेखक की किताबें घर घर में पढ़ी जाती हूं, जो किताबों के बजाय लोगों के दिलों में रहता हो, उसके बारे में मैं क्या कह सकता। मैं ठहरा सीधा साधा बिजनेसमैन जो जुर्म और अपराध से उतना ही दूर है जितना धरती से आकाश। मैंने बचपन में अपने बाप दादा से एक अंग्रेजी की कहावत सुनी थी, क्राइम डज नॉट पे, जुर्म से किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन आज यहां पर 2 आदमी मौजूद है जिन्हें अपराध से फायदा होता है। एक अपने IG साहब यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट, अपराध अगर बंद हो जाए तो पुलिस स्टेशनों में ताले लग जाए, और दूसरे अपने रवि वर्मा साहब जो अपराध के बारे में लिख रहे हैं और खूब कमा रहे हैं। बेहतर यही होगा कि जुर्म और सजा के बारे में श्री रवि वर्मा साहब आपको बताएं। रवि साहब आइए। साहिबान, जैसे कि उन्होंने कहा कि इसका फायदा सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं मुझे भी हो रहा है, शायद ये भूल रहे हैं कि ये फायदा इन्हें भी हो रहा है। सीमेंट और दवाइयों की फैक्ट्री के अलावा इनकी तालों की फैक्ट्री भी है, और अगर इस देश में अपराध बंद हो गया तो इनकी तालों की फैक्ट्री को ताला लग जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में हूं और जो सवालों का जवाब मेरी नॉवल नहीं दे सकती है वो सवाल अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे मालूम है आप एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, फिर अचानक आपने ये वकालत छोड़कर लिखना क्यों शुरू कर दिया? पैसा हर इंसान की कमजोरी है, सो मेरी भी है। वकालत के पेशे से मुझे इस पेशे ने ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए, इसलिए मैंने वो पेशा छोड़ दिया और किताबें लिखनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज मी सर, आपके दिमाग में जुर्म और जासूसी के आइडियाज, मेरा मतलब है प्लॉट्स कहां से आते हैं सर? दरअसल दुनिया के हर आदमी में कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध करने की इच्छा छुपी रहती है। मैं उसे छक पहचानता हूं और अपनी किताबों में लिख देता हूं, और पढ़ने वालों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और अंजाम से सबक भी मिल जाता है कि क्राइम डज नॉट पे, अपराध से कोई फायदा नहीं होता। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार सर, मुझे IG साहब से मिला दीजिए प्लीज। हाँ शर्मा जी, ये आरती सक्सेना उर्फ जासूस रानी 009। हेलो जासूस रानी 009। यस सर।
कहिए कैसे पकड़ सकता हूँ मैं आपकी। आप मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जासूस रखेंगे। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं मुल्क के हर एक मुजरिम को आपके हवाले कर दूंगी सर। आरती जी, जासूस सिर्फ उपन्यास में होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं। हाँ, उसके अलावा एक डिपार्टमेंट और है जिसे हम CID कहते हैं, लेकिन उसमें भी पुलिस के ट्रेंड आदमी होते हैं। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं तो वेलकम, वरना आई एम सॉरी। ठीक है सर, जिस दिन आपका डिपार्टमेंट किसी मुजरिम को पकड़ने में नाकाम हो जाएगा, उस दिन मैं उसी मुजरिम को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगी सर। एंड दैट्स माय चैलेंज सर। तो जिस दिन ये आप कारनामा करके दिखाएंगी, उस दिन मैं खुद अपने हाथों से इनाम दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। ओके मिस्टर रवीन, नमस्ते, आइए। एक्सक्यूज मी सर, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी सर, मुझे यहाँ टैक्सी में आना पड़ा। कुड आई हैव लिफ्ट प्लीज सर? लिफ्ट? हाँ, ऑफ कोर्स, ना बोल के मरना है क्या? पता लगा, फिर से रिवॉल्वर निकाली। हाय हाय, लीजिए, आपका घर आ गया। थैंक यू फॉर द लिफ्ट सर। अब इजाजत दीजिए। बिल्कुल नहीं, अब आप मेरे साथ अंदर आएंगे। ओह नो, अगर आप अंदर नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आइवन से आप तो नाराज हो गई, हम आपके जज्बात की तौहीन नहीं करना चाहेंगे। आइए, लेट्स गो। थैंक यू, आइए ना। विकी, विकी, विकी। हेलो दीदी। देखो ना, हमारे घर कौन आया है आज? अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो आप रवि वर्मा साहब हैं, जिनसे मिलने के लिए आज तुम पूरी तैयारी के साथ गई थी, करेक्ट? करेक्ट। रवि साहब, ये मेरे छोटे भाई विकी हैं। हेलो, हाउ आर यू डू? एब्सोल्युटली फाइन सर। अरे विकी, डैडी कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में। डैडी, डैडी! रवि साहब, वो क्या है ना कि जब विकी गिटार बजाता है ना तो डैडी अपने कमरे में बैठ के मजे से सुनते हैं, लेकिन जब मैं गिटार बजाती हूँ तो जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? अभी बताती हूँ। ओहो आगे, स्टॉप योर गिटार प्लीज फॉर गॉड्स सेक। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि स्टॉप। ये क्या हंगामा मचा रखा है? कितने बार कहा है तुमसे कि बेसुरा गिटार मत बजाया करो? डैडी, आपको नीचे बुलाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं था। देखिए ना कौन आया है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे डैडी, ये रवि वर्मा जी हैं, जिनकी जासूसी नॉवलों ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ओह, आई एम सॉरी। आई आई अजी, नाश्ते का इंतजाम हो गया सरकार। बजरंगी को तो रसोईया में ही खुशबू आ जावत है। घर में मेहमान कब आवत है और कब जावत है, ई रहा नाश्ता और ई रही चाय चकाचक। कभी हमें भी सुनाएगा ना अपना गाना वाना? वाई नॉट, कल ही हमारे कॉलेज में सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने जा रहा है जिसमें की मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आप आएंगे सर? ऑफ कोर्स। सवाल का आपके
जी।
नमस्ते जी, 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 नमस्ते जी। माँ, ओ माँ, माँ सारी 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 आज फिर देर हो गई, तू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी। खाना तो कब से तेरे इंतजार में ठंडा हो रहा है। आहा, खुशबू से तो माँ भूख और बढ़ गई है, चल जल्दी से बैठ जा खाना खा ले। तू खा, मैं खाना खा चुकी। क्या? हाँ मैं खाना खा चुकी, एक दो दिन की बात हो तो कोई इंतजार करे। चांद के निकलने का समय होता है, सूरज के डूबने का समय होता है, लेकिन तेरा अब मुझे रोज रोज का इंतजार नहीं किया जाता। हे भगवान, कैसी बदनसीब हूँ मैं कि आज करवा चौथ के दिन ना तो अपने पति का मुंह देखकर व्रत तोड़ सकती हूँ और ना ही अपनी जिंदगी की सच्चाई मैं अपने बेटे के सामने रख सकती हूँ। हे प्रभु, वो जहां भी रहे सुखी रहे। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए ना। कहिए जमनलाल जी, अब कैसी तबीयत है? तीन बार दिल का दौरा पड़ चुका है वकील साहब, सेहत और उम्र कब तक साथ देगी? इतनी जल्दी आपको कुछ नहीं होने वाला जमनलाल जी, ऊपर वाले को भी अच्छे आदमियों की जरूरत होती है। लो भाई, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का सौदा हो गया। थैंक यू। 10.5 करोड़ में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जमनलाल जी, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच क्यों दी? क्या सिंगापुर छोड़ के हिंदुस्तान जाने का इरादा है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं, हिंदुस्तान जाना मेरे नसीब में कहा, बस ये रुपया मेरी पत्नी और बेटे तक पहुंच जाए तो शायद ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। आत्माराम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं वो अपना पुराना मकान छोड़कर कहां शिफ्ट हो गया है। हाँ, एक आदमी है, वकील जमुना दास, जो आत्माराम को किसी भी तरह तलाश कर सकता है। वाह प्रभु, वाह 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 वाह। अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जमुना दास, ये 10 करोड़ रुपया आत्माराम को नहीं, मुझे मिलना चाहिए। बाबू भाई, ये 10 करोड़ की बात है, किसी तवायफ की नहीं कि किया इशारा और आगे आपकी गोद में है। ये 10 करोड़ रुपए सिर्फ आत्माराम को ही मिलेंगे। तो फिर मुझे आत्माराम बना के पेश कर देना। इतना आसान होता तो मैं नहीं बन जाता आत्माराम। कुछ कर जमुना दास, कुछ कर, ये रुपया आत्माराम की तिजोरी में नहीं, हमारी तिजोरी में आना चाहिए। बात तो सही है बाबू भाई, मान लो ऐसा हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? 10%। 10%? 10%। बाबू भाई, 10% तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के ही मुझे मिलने चाहिए। तो फिर तुझे कितना चाहिए? कितना चाहिए? सौ की एक बात, 50-50। मंजूर, लेकिन तू करेगा क्या? वो मैं बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आप ही रवि साहब की माँ हैं? हाँ, क्यों? उन्होंने आपको फौरन बुलाया है। रवि ने? जी जी हाँ माँ जी, उन्होंने कहा है जितनी जल्दी हो सके मेरी माँ को ले आओ। आइए माँ जी, आइए। अच्छा चलो। हेलो, दिस इज रवि वर्मा हियर। आपकी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? आइए रवि साहब, आइए आइए। जमुना दास जी आप? हाँ।
माफ करना, हमने आपको इतनी रात को बुलाया। मेरी माँ को किडनैप करने की वजह? आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपका दिमाग। मैं कुछ समझा नहीं। आप बहुत बड़े क्रिमिनल राइटर हैं रवि साहब, बड़ी बड़ी पेचीदा कहानियों के प्लॉट बनाते हैं आप। मेरा एक क्लाइंट है, वो चाहता है कि आप उसके लिए प्लॉट बनाए, कहानी लिखे। मैं कुछ समझा नहीं, कैसा प्लॉट, कैसी कहानी? बताता हूँ। एक आदमी ने सिंगापुर से 10 करोड़ रुपए अपने दोस्त आत्माराम जी के नाम पर रिजर्व बैंक के जरिए भेजे। मेरा क्लाइंट चाहता है कि आप कुछ ऐसी तरकीब सोचे, ऐसा प्लॉट बनाए जिससे वो 10 करोड़ रुपए बिना किसी कानूनी झंझट के रिजर्व बैंक से निकलकर उसकी तिजोरी में आ जाए। बस जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन वो आपकी माता जी को छोड़ देंगे। जमुनादास जी, आप क्या समझते कि मैं आपकी बेवकूफी की सलाह पे अमल कर लूंगा? करना ही पड़ेगा रवि साहब, करना ही पड़ेगा। सुना है कि फूलों से खुशबू और सूरज से रोशनी दूर रह सकती है, लेकिन आप अपनी माँ से दूर नहीं रह सकते। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ ये फैसला करने के लिए कि आपके लिए आपकी माँ की जिंदगी 10 करोड़ से कीमती है या सस्ती। आपके क्लाइंट से मिल सकता हूँ? जी नहीं, इस मामले में सारी बातें आपको मुझसे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ये क्लाइंट इस शहर में नहीं है। जमुनादास जी, कमाल की बात है, वकील होने के बावजूद आपको झूठ बोलने का सलीका नहीं है। मतलब ये है कि आप जिस आदमी की इतनी बड़ी दलाली कर रहे हैं वो इस शहर में नहीं बल्कि। वाह रवि साहब वाह, आज यकीन हो गया कि लोग आपके दिमाग का लोहा क्यों मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि मैं इस पर्दे के पीछे हूं? अपनी माँ की खातिर मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो क्या आप सचमुच आत्माराम जी के 10 करोड़ रुपए किसी और को दिला देंगे? हाँ, दिलाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, ये कोई उपन्यास या अफसाना नहीं है, एक सच्चाई है। एक आदमी के 10 करोड़ रुपए आप ऐसे कैसे किसी दूसरे आदमी को दिला देंगे? दुनिया एक शतरंज का खेल है, जहाँ कभी कभी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी मात खा जाते हैं। रतन की बाजी बीत चुकी है, चाल तो चलना ही पड़ेगा। मेरा पहला मोहरा है बाबू भाई का बेटा सूरज। झटका ओ हाय झटका, झटका ओ हाय झटका, ओ मैंने जुल्म पकाए से झटका, आज दिल सीने से निकला, गले में आके अटका, झटका ओ हाय झटका, ओ मैंने जुल्म पकाए से झटका, हर दिल सीने से निकला, गले में आके अटका, झटका ओ हाय झटका, झटका ओ हाय झटका। महफिल में बोले हर कोई मुझको, हर दिल की हो गए चाबी, गोरा रंग है गा गुलाबी, उसने ये नैन शराबी, महफिल में बोले हर कोई मुझको, हर दिल की हो गए चाबी, गोरा रंग है गाल गुलाबी, उसने ये नैन शराबी।
सुनो सुनो सबको समस्या संडे की शाम सड़क पे प्यार दे प्यार दे पागल प्रेमी पड़ गए पांव पकड़ के सुनो सुनो सबको समस्या संडे की शाम सड़क पे प्यार दे प्यार दे पागल प्रेमी पड़ गए पांव पकड़ के लचका ओ हाय लचका लचका ओ हाय लचका ओ मैंने कब देखो ऐसे लचका हर दिल सीने से निकला गले में आके अटका झटका ओ हाय झटका झटका ओ हाय झटका सुंदर सलोनी सूरत के सदते समस्या सुलझा दूं दिल के दिल दे दिल की दीवानी कर दे दिल की दवा सुंदर सलोनी सूरत के सदके समस्या सुलझा दूं दिल के दिल दे दिल की दीवानी कर दे दिल की दवा दूं झटका ओ आए झटका ओ आए झटका ओ तुम जुल्फों को ऐसे झटका मेरा दिल सीने से निकला गले में आके अटका झटका ओ हाय झटका झटका ओ हाय झटका अपने जुल्फ को ऐसे झटका हर दिल सीने से निकला गले में आके अटका झटका ओ हाय झटका झटका ओ हाय झटका कदम रुक रुक के चलते हैं कमर बलखाई जाती है खुदा जब उसने देता है नजाकत आ ही जाती है हाय मुझे सूरज कहते हैं और कम से कम ये फूल तो कबूल कर लीजिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ तो मैंने कब कहा कि आप मेरे दुश्मन हैं दोस्ती के लिए मुलाकातों का होना बहुत जरूरी है और इस सिलसिले की शुरुआत के लिए मैं आपकी एक रात खरीदना चाहता हूँ तुम्हारे हुस्न की गर्मी ने मेरे जज्बात में आग लगा दी है और मैं इस आग को तुम्हारे रूप में डूबकर बुझाना चाहता हूँ कीमत जो तुम चाहो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ओफ हो नाउ कम ऑफ इट अगर तुम शराफत दिखाकर अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो तो फॉरगेट इट मैं पहले से तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ पैसे और पेशे में फर्क है मिस्टर जिस दिन ये फर्क तुम्हारी समझ में आ जाएगा उस दिन तुम किसी की इज्जत खरीदने की जरूरत नहीं करोगे बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं बेटे इसे पालने के लिए तो बड़े बड़े करोड़पति तैयार है लेकिन इसे भूखी नहीं लगती ये तारीफ खाती है शराफत पहनती है लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचती इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम अपना ख्याल छोड़ दो बाय अरे हमारे दोस्त ने अच्छे अच्छे पत्थर पिघला दिए तो ये डांसर का चीज है हाँ अबे ढक्कन क्या है इसने आज तक मोम पिघलाए है अगर इस पत्थर को पिघला के दिखा देना तो मान जाऊं अरे इसी बात पे तेरी मेरी लगी शर्त लगाता शर्त हाँ। कितने की तू बता 1000 रुपए डन अच्छा तो ये बात है तो लगी मेरी भी 1000 की हो गया जानी जब ये चूजे एक फिरदौस के लिए 1000 रुपए की बाजी लगा सकते हैं तो हिंदुस्तान की कसम हमारी तरफ से 5000 रुपए चुप ठीक है अगर मैंने भी इस पत्थर को 24 घंटे के अंदर
पिघलाकर मोम नहीं कर दिया तो मेरा नाम ही सूरज नहीं। पहले सुनो, रिक्शा रोको। चल मिस्टर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अबे बोलता क्यों नहीं, इतनी देर से मैम साहब का पीछा क्यों कर लिया था? इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? अरे ये क्या कर रहे हो? एक दो, ये क्या कर रहे हैं आप? माफी मांग रहा हूँ। लेकिन ये कौन सा तरीका माफी मांगने का? बंद करो ये तमाशा। 22 23 लोग देख रहे हैं। तो देखने दो। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे मैं जिंदगी भर इसी तरह उठक बैठक करता रहूंगा। 33 34 बेचारा अपनी गलती पर शर्मिंदा है। माफ कर दीजिए इसे। अच्छा बाबा माफ कर दिया, अब तो रुक जाओ। आप लोगों के कहने में आकर मजबूरी से कह रही है, दिल से कहिए ना। मैं दिल से कह रही हूँ कि मैंने माफ कर दिया। अगर आपने वाकई मुझे माफ कर दिया तो चलिए मेरे साथ चाय पीने, कहिए ना। हाँ 61 62 अरे बेटे ना कर दे, बेचारा गिर जाएगा। वैसे भी 61 62 तक तो पहुँच चुका है। ठीक है पियू, लेकिन अब ये तमाशा बंद करो। 61 62 चाय। आपकी हालत भी वही है जो मेरी है। क्या मतलब? अभी अभी आपने कहा आए। मैंने हाय नहीं चाय कहा है। नीचे देखिए चाय ठंडी हो रही है। नीचे कैसे देखूं? नजरें आपके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेती। यकीन मानिए आपकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अमावस की काली रात में किसी ने 2 दीप जला कर रख दिया हो और मैं उन पर परवानों की तरह मंडला रहा हूँ। देखिए अगर आप इस बदतमीजी से बाज नहीं आए तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ। नामुमकिन, आप चाय पिए बिना नहीं जा सकती। आपने वादा किया सीता जी। मेरा नाम सीता नहीं है। तो फिर क्या है? मैं यहाँ अपना नाम बताने नहीं, सिर्फ चाय पीने आई और चाय पीते ही चली जाऊंगी। जानती हो आपके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा सीता जी? मेरा नाम सीता नहीं है, शक्कर। जैसी सूरत वैसा नाम, शक्कर कितना मीठा नाम है। मैंने पूछा चाय में शक्कर कितनी लोगे? आपके हाथों से तो जहर भी मीठा लगेगा सीता जी। इंद्रलोक के अप्सरा के हाथों मिली मदिरा में भी वो स्वाद ना होगा जो इस चाय में है। हो गए थे तुम? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने? ये देखो तुम्हारे लिए कुछ खत लिखे हैं मैंने, पढ़ोगे नहीं? तो मैं अपने प्रेम पत्रों की पढ़ी है और वहां डैडी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। तुमने हुक्का कब से पीना शुरू कर दिया? अरे हुक्का पानी मैंने जेब खर्च देना बंद कर दिया। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे पैसे लूंगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो फिर करोगे क्या? वही सोच रहा हूं साहब। ये चिट्ठी, अगर 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो। ये किसने दिया? पहले टेबल वाले साहब ने दिया। ओ पूनम, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, ये चिट्ठी आपने भेजी है? जी हाँ, अशरफ के
थैंक यू। इनसे मिलिए ये हस्तिनापुर की महारानी हाँ सुमनलता और मुझे रवि वर्मा कहते हैं। रवि वर्मा ओ वो मशहूर फेमस नॉवलिस्ट। वेरी ग्लैड टू मीट यू। नॉवलिस्ट यस फेमस पता नहीं। सर वो चिट्ठी एक लाख रुपए। दरअसल बात यह है कि मैंने राजकुमारी से तुम्हारे बारे में दावा किया था कि तुम वो लड़के हो जो किसी भी पत्थर को 24 घंटे में पिघला सकते हो, लेकिन यह है कि माने से इनकार करती है। सर लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला? उस रात जब तुमने चैलेंज किया था मैं वहां पर मौजूद था और उसका नतीजा भी मैंने देख लिया मेरे सामने। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी लड़की को दीवाना बनाया जा सकता है। अगर वाकई में आप में इतनी खूबियां मौजूद है तो हमारी बताई हुई लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करके बताएं तो हम जाने। और अगर आपने ये शर्त जीत ली तो राजकुमारी जी आपको लाख रुपया इनाम में देंगे। एक लाख रुपए के लिए तो मैं श्रीदेवी को अपनी दीवानी बना लूंगा। बताइए लड़की कौन है? बताइए। आप इन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। ये तो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ, जासूस रानी 009। फिर तो आपका काम और आसान हो गया। बिल्कुल नहीं सर, समंदर से मोती निकालना और आसमान से तारे तोड़कर लाना फिर भी आसान है, लेकिन इसे मोहब्बत का एहसास दिलाना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब ये तुम्हारी खूबियां और मेरा दावा दोनों गलत? नहीं 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 सर, मैं आपका दावा कभी गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन वो क्या है कि इस लड़की के लिए 24 घंटे की मुद्दत जरा कम है। 24 दिन काफी होंगे? वाह, फिर तो समझ लीजिए कि 1,00,000 रुपए मेरे हो गए। ठीक है, तो जिस दिन आप अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे उस दिन रवि जी से आकर अपना इनाम ले जाइए। सर अगर आपको कोई इतराज ना हो तो थोड़ा बहुत एडवांस मिल सकता है? वो क्या है कि आजकल हाथों की रेखाएं गड़बड़ है। देखिए राजकुमारी की रकम तो तभी मिलेगी काम हो जाने के बाद। हाँ एक काम हो सकता है, मैं अपनी जेब से तुम्हें कुछ दे सकता हूँ एज ए लोन। यस यस ये चलेगा? बहुत है सर, दौड़ेगा। थैंक यू। अगर सर मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया तो फिर मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ? वही उसी रेस्टोरेंट में जहाँ तुमने चैलेंज किया था। हाय जासूस रानी 009। अरे हो जेम्स बॉन्ड। हाय। अरे सूरज तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, इतनी देर से बसें नहीं आ रही थी, जरा मुझे सुपरमार्केट तक छोड़ दो ना प्लीज। ओके नो प्रॉब्लम। थैंक यू। जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां आरती मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या आइडिया है लड़की पटाने का? वाह वाह। क्या क्या मतलब? राकेश नीता को पटाने के चक्कर में, और वो यही नहीं जानता कि नीता आदमियों से इतनी ही नफरत करती है जितनी कि मोरनी सांप से। वाह वाह क्या कंपैरिजन है, क्या नफरत है। आरती मैं मोरनी और सांप की नहीं, अपने बारे में बात करना चाहता हूँ तुमसे। लगे रहो बच्चों, ये लड़की नहीं पटने वाली। आरती मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे। अरे रुको रुको रुको, जरा 2 मिनट रुकोगे सूरज? सोच लो वो लड़की एक लड़की नहीं 1,00,000 रुपए की लॉटरी है। ऐसा बोलना यार, आज रात को ही अपन उस लड़की को उठा लेते हैं क्या? छी गंदा, ये बहुत गलत बात है। किसी भी शरीफ लड़की के बारे में ऐसा सोचना कानून ही नहीं समाज की नजरों में भी जुर्म है। हाँ ऐसा क्या? तो फिर तेरे भी उठवा लेते हैं। सच्ची? अबे ओ जॉनी राज आनंद तू ही कुछ आइडिया दे दे। अमाय यार आइडिया तो है, एकदम सुपर हिट आइडिया है। क्या आइडिया है? तुमने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में जब हीरोइन हीरो से नफरत करती है उसे घास नहीं डालती है, लेकिन जैसे ही हीरो हीरोइन के लिए कोई रोमांटिक गाना गाता है तो हीरोइन बर्फ की तरह पिघल जाती है। अबे होश कर,
और जब तक गाना खत्म नहीं होता हीरोइन हीरो की बाहों में सिमटी रहती है बस। नियत कर दे बेईमान नमक तेरे चेहरे का। Oh,
चमक तेरे चेहरे का। सूरज तू फिक्र मत कर, हम जो हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अरे खंबा उखा जी मिल गया। क्या मिल गया? ऐसी सिचुएशन है कि तुम लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। कल मेरे आदमी बीच सड़क पर जाकर उस लड़की को छेड़ेंगे और उसे इतना मारेंगे कि इतने में हीरो की एंट्री होगी और हीरो उन आदमियों को मार के भगा देगा। जब जाकर हीरोइन हमें जाग ली उसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। अरे सिचुएशन तो हिट है, लेकिन ये तुम्हारे रिश्तेदार, मेरा मतलब है ये गुंडे कहाँ से आएंगे? अरे कालिया आसादार, कितने आदमी है रे हम सब? नेम सब गाड़ी चेक कर लो। ओके चलो। ओए 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 तौबा ये मत वाली जाल, झुक जाए फूलों की डाल। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। यानी बंबई की ये पहली फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते, क्या नाम है तुम्हारा? आग। अरे नहीं यार, ये तो शबनम है। शबनम? क्या ये वही शबनम है जो दिलों की आग ठंडा करती है? अरे नहीं यार, ये तो वो मैना है जो मोहब्बत के मीठे मीठे गीत सुनाती है। तो इस काली मैना को हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे ताकि इसके मीठे मीठे गीत हम रोज सुना करेंगे। तू लगता है वाकई बंबई में किसी फिरदौस को नहीं जानता। तू मेंढक, तूने मुझ जैसी कोयल नहीं देखी। हाँ आज मैं तुम लोगों की ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर पिंजरे में बंद रहना पसंद करोगे लेकिन आइंदा किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। चलो तुम लोग इधर चलो और तुम दोनों इधर। तुम दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करो और तुम एक दूसरे को थप्पड़ मारना और तब तक मारते रहो जब तक कि गाल की खाल और तुम्हारे बदन के कपड़े के चिथड़े चिथड़े ना बन जाए। मारते जोर से मारते। लगा क्या? अरे इतने जोर से मारता। अरे भाई कपड़े भाग, जान बचा। बहन जी मेरे ढक्कन तो देखा क्या? नहीं। अच्छा वीर
पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। तुम खुद ही इस खेल के बेहतरीन खिलाड़ी हो बला, मैं क्या राय दे सकता हूँ? प्लीज गुरुजी, आपके पास हर मसले का हल है, आप ही कोई टिप दे दीजिए। मैं तो इस लड़की के चक्कर काट काट कर चकरा गया हूँ। हाँ, एक बार उसने आईजी साहब से कहा था कि वो एक दिन बहुत बड़ी जासूस बनेगी और जो केस पुलिस नहीं सुलझा सकती वो एकदम से सुलझा देगी। एक काम कर, तुम किसी खून का इल्जाम अपने सर ले लो। ये आप क्या कह रहे सर, मैं और खूनी बन जाऊं? मैंने ये नहीं कहा कि तुम खून करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इल्जाम अपने सर ले लो, किसी तरह उसे यकीन दिला दो कि ये खून तुमने किया, और फिर देखो तुम आगे आगे वो पीछे पीछे। थैंक यू। अरे अरे, ये कमान से निकले तीर की तरह कहाँ जा रहे हो? देखो पूनम, इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में, बाद में मिलते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है क्या? मुझे पूछना है तुमसे? क्या मतलब? मैंने तुम्हें वो चिट्ठी में लिखा था कि आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपना बर्थडे केक तुम्हारे साथ ही काटूंगी आज रात। आज रात? आज रात में जरा बिजी हूँ पूनम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, शो के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कमरे का दरवाजा खुला होगा। कोशिश करूंगा। मेरा रूम नंबर तो याद है ना? 106। बाय। माँ। रवि बेटे, तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? मैं अच्छा, तू कैसी है? किसी बात की तकलीफ तो नहीं? तू नहीं है, तू किसी भी चीज में मन नहीं लगता। बेटा तेरा काम खत्म होने में और कितना समय लगेगा? माँ बहुत जल्दी हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे फोन करता रहूंगा। अच्छा बेटा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर कैबरे डांसर पूनम का खून। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हेलो, क्या तुम भी वही पढ़ रही जो मैं पढ़ रहा हूँ? यस सर, मशहूर कैबरे डांसर पूनम का खून, कातिल का कोई सुराग नहीं, पुलिस की तलाश जारी है। अगर ये केस जासूस रानी 009 अपने हाथ में ले ले, कातिल का क्लू तो क्या, उसे फंसा कर फांसी की सजा भी हो सकती है, और इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं है आईजी से चर्चित निकले। यस सर, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी वक्त से कातिल की तलाश शुरू कर देती हूँ। और सुनो, तुम्हें जासूसी का पहला सबक तो याद है ना? ऑफ कोर्स सर, यही कि कातिल हमेशा मौका वारदात पर एक बार फिर जरूर आता है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, पूनम के खून का पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला अभी तक, यही सुनहरा मौका है आरती को करीब लाने का। वो कैसे सर? यह खून का इल्जाम तुम अपने सर ले लो। अगर पुलिस ने मुझे सचमुच कातिल ठहराया तो? खून क्या तुमने सचमुच किया? सर तुम्हें डरते क्यों? देखो आरती उस कमरे पर नजर लगाए बैठी है, उसे यकीन है कि कातिल मौके वारदात पर जरूर आता है। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया। तो जासूसी नॉवलों में अपने जुर्म से बचने का तरीका तलाश कर रहे हैं बच्चों, तुम्हारी यही कोशिश मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए काफी है। हेलो सूरज। अरे आरती, तुम? What a pleasant surprise! तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हमेशा यहीं से किताबें खरीदती हूँ, लेकिन ताजुब तो इस बात का है कि तुम इस किताबों की दुकान में क्या तलाश रहे? 1,00,000। 1,00,000? क्या मतलब? मेरा मतलब है, एक नॉवल का नाम सुना था 1,00,000, उसी की तलाश कर। तुम्हारी तलाश तो अब फांसी के फंदे पर ही जाकर खत्म होगी। आहा, क्या नाम है नॉवल का? क्या? और खूनी बच गया। ये नॉवल तुम्हारे काम का नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसमें खूनी नहीं बचता। लेकिन उसने बचने के तरीके तो सोचे होंगे, मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। सूरज क्यों ना एक एक कप चाय पी ली जाए। वाह गुरुजी, टिप काम आ रही है। क्यों 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 नहीं। क्या लोगे? Come in. क्या लोगे, चाय या कॉफी? ब्लैक कॉफी। बच्चू इसी ब्लैक कॉफी से तेरे दिमाग का ब्लैकआउट ना कर दिया तो मेरा नाम भी जासूस रानी 009 नहीं। कुछ खाओगे? कुछ भी मंगा लो। दो ब्लैक कॉफी और दो चीज सैंडविच। क्या बात है, अरे भाई मजा आ गया, शाबाश, बका मिल गया। क्यों, बचने का तरीका मिल गया क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैंने ये नॉवल पढ़ी हुई है और जहाँ तक तुम पहुँचे हो ना, वहाँ पर कातिल ये समझता है कि उसे बचने का तरीका मिल गया है। चाहे जितने मर्जी तरीके ढूंढ ले बच्चू, लेकिन जासूस रानी 009 के आगे एक नहीं चलेगी। यार ये लेखक रवि वर्मा शब्दों से नहीं, पढ़ने वालों की साइकोलॉजी से खेलता है। सुनो, उस दिन तुम कुछ शादी की बात कर रहे थे ना? अरे वाह गुरुजी, ये तो एक ही मुलाकात में शादी की बात करने लगी है। बस गई। नॉवल छोड़ो, मैं तो तुम्हें फंसाने का तरीका सोच रही हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है शादी के जाल में फंसाने का। जब से तुमने शादी और आइडियल वाइफ की बात की है ना, तभी से मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी कैसी होनी चाहिए। अब बताओ कैसी होनी चाहिए? यहाँ नहीं, ये सब सोचने के लिए एक शांतिपूर्वक जगह होनी चाहिए। क्यों ना आज रात को हम दोनों एक साथ डिनर खाएं? हाँ, क्यों नहीं, कौन से होटल में जाना? ओबेरॉय, ताज, लीला पेंटा और... नहीं नहीं, होटल में नहीं, होटल में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तन्हाई हो, खामोशी हो और बस हम दोनों एक साथ हो। तन्हाई, खामोशी और हम। ये क्या है? तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए ये तो मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे जैसा पति मिल गया जिसे खाने से पहले शराब पीने की आदत हो, तो मैं उसे अपने हाथों से शराब पिलाऊंगी। और हाँ, अगर मेरे पति को कैबरे देखने का शौक हुआ जैसे तुम्हें है, तो फिर मैं उसे होटल नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तो फिर होटल में ना जाने के लिए तुम क्या करोगी? मैं खुद कैबरे करूंगी। तुम कैबरे करोगी? क्यों? मैं कैबरे नहीं कर सकती क्या? अभी दिखाती हूँ।
नीचे छुपा दिया मैंने, और वो खंजर जिसे मैंने तेरे को घोप डाला था ना, वो मैंने पेटी के पीछे छुपा दिया। हा हा हा। और ऐसी जगह जहां पुलिस को भी ना मिल सके। मैंने तुझे मार डाला पूनम, मैंने पूनम को मारा। साली पूनम कहती थी कि मुझसे शादी कर ले,
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हा, हा, हा। ना जाने किसका पाप लिए पेड़ में घूम रही फिरती थी। ये सब क्या है? ये है वो सब सबूत जिनके जरिए पूनम के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सकता है। कौन है वो कातिल? सूरज, उसी ने ही कैबरे डांसर पूनम का कत्ल किया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। इस कैसेट में उसका बयान है और ये वही खंजर है जिससे पूनम का कत्ल किया गया। और मैं ये सब सबूत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास जाने वाली हूँ ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि जो काम वो ना कर सकी वो काम जासूस रानी 009 ने कर दिखा। Yes, sir, you're right. मेरे हिसाब से गलत है, बिल्कुल। तुम्हें क्या करना चाहिए? पहले प्रेस को पुलिस से पूछने दो कि कातिल कौन है, कातिल कौन है। जब चारों तरफ हंगामा हो जाएगा तब तुम ये सब सबूत लेकर पब्लिक के सामने हाजिर हो जाना। हाँ, पुलिस को उसका कातिल मिल जाएगा और तुम्हें जरूरत। You're right, sir. मैंने तो ये बात सोची भी नहीं थी। हाँ, एक काम करो, ये सब चीजें तुम अपने पास संभाल के रखो। Okay, हाँ, और सबकी एक कॉपी बनाकर मुझे दो। ओके। एक बात और। Yes, sir. सूरज को नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। तुम उसे उसी तरह मिलती रहोगी जिस तरह तुम मिल रही हो, क्योंकि तुम्हारे प्यार के जादू का नशा इतना गहरा होना चाहिए कि वो मौत का खौफ भी भूल जाए। खौफ तो अब जिंदगी से होने लगा है, कहीं वो बेवफा बनकर साथ न छोड़ते। सच अर्थी, तुमसे मिलने के बाद मेरे जीने की तमन्ना जाग उठी है। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद हो। सूरज, मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए लफ्जों की नहीं जज्बात की जरूरत होती है। और हाँ, कभी कभी दिल की धड़कन और आंखों की खामोशी वो बात कह देती है जो जुबान नहीं कह पाती। तो आओ, आज हम एक दूसरे के होठों पर खामोशी के ताले लगाकर वो बातें सुनने की कोशिश करें जो दिल कह रहा है और आंखें सुन रही है। हाय डैड। हेलो डैड। देखिए मेरे साथ कौन आया है, पहचानिए। हमारी होने वाली बहू के अलावा और कौन हो सकता है? नमस्ते। इतरो बेटी, बैठो, मैं अभी आया। और रश्मि बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? आहिस्ता बोल, कहीं सेठजी ने सुन लिया तो 2-4 हजार का नुकसान हो जाएगा। शर्मानी चाहिए तुम्हें, चंद रुपयों के लिए औरत की मर्यादा को नीलाम करते हुए। रश्मि, कौन है ये औरत? ये वो औरत है जो अपने बुढ़ापे के 4 दिनों के लिए मेरी जवानी को गुनाहों की नर्क में धकेल देना चाहती है, जिसके पेट में 9 महीने रहने का किराया मैं 19 साल तक में नहीं चुका सकी। यौरत मेरी माँ है। रुक जाओ औरत, मैं ये रुपए एक मजबूर और लाचार औरत को देने के लिए लायक हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं, इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे खानदान को बदनामी के कलंक से बचा लिया। ये लो रुपए, और यहां से इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारी दुआएं मेरी चौखट तक और मेरे बेटे की मोहब्बत तुम्हारी बेटी तक ना पहुंचे। नहीं सेठ जी, एक तवाइफ अपनी जरूरत की खातिर भीख तो मांग सकती है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी की खुशियों का व्यापार नहीं कर सकती। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। रश्मि, तुम कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे। लेकिन जड़ी, रश्मि को तो मैं आपसे मिलवाने लाया हूँ। मैं मिल चुका। चलो लड़की, लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ये मेरा। क्या कह रहे हैं आप? चला। सुनो, देखिए, मेरे खानदान का इकलौता चराग है, और अगर तुमने इस चराग की लौ को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की तो लौ तो बुझ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा हाथ भी जल जाएगा और सिवाय अंधेरों की तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। डैडी, आप गलत समझ रहे हैं।
रश्मि ऐसी लड़की नहीं है। रश्मि कैसी लड़की है ये सिर्फ मैं नहीं सारी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। लड़कियां अपनी शराफत और मजबूरी का दाना फेंक कर तुम जैसे बेवकूफ लोगों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती हैं और उन्हें अपने कैद होने का पता तब चलता है जब उनके पर कट चुके होते हैं। मैं आपके ख्यालों से सहमत नहीं हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं रश्मि से मोहब्बत करता हूँ और उसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। क्या बकवास करते हो? जिस घर के नौकर भी खानदान देख कर रखे जाते हैं उस घर की इज्जत तुम एक बाजारू औरत की लड़की के हाथ में देना चाहते हो जिसके ना खून का पता है और ना खानदान का। डैडी, अगर यही बात आपकी जगह किसी और ने कही होती तो मैं तो क्या करता? तू क्या करता? बोल, मारना था मुझे। मैं खून नहीं, इस लड़की की मोहब्बत का नशा बोल रहा है। बस कीजिए, भगवान के लिए आप लोग चुप हो जाइए। लोग तो यही कहेंगे कि काभागन ने हंसते खेलते घर को रणभूमि बना दिया। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है विकी। शायद इस घर की बहू बनना मेरे नसीब में नहीं है। इस घर की बहू बनना तुम्हारा नसीब में सही, लेकिन मेरी पत्नी बनना तुम्हारा अधिकार है और ये अधिकार दुनिया का कोई भी समाज तुमसे छीन नहीं सकता। चलो रश्मि। तो सुन लो, चौखट के बाहर कदम रखते ही इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उस घर में रहना ही कौन चाहता है जहाँ हर सांस असूलों की मोहताज हो, हर जज्बात पर समाज के पैरे हो। ये शानदार कोठी आप ही को मुबारक हो सेठ साहब। हमें तो सर छुपाने के लिए अपनी मोहब्बत का अचल ही बात है। चलो रश्मि। लो, ये रही मेरी नकलीमा बनने की कीमत। बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। अच्छा, नमस्ते। मैं आत्माराम सक्सेना अपने बेटे विक्रम सक्सेना को बेदखल करता हूँ और अपनी तमाम जायदाद और कारोबार का तनहा वारिस अपनी बड़ी बेटी आरती सक्सेना को करार देता हूँ। मेरे देहांत के बाद भी मेरे जायदाद और कारोबार में विक्रम सक्सेना का कोई हक या हिस्सा नहीं होगा। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ऐसा कौन सा काम है जो माँ को बेटी से अलग कर दे? बंद कर दे सब काम और आकर मुझे ले जा। मैं अब तुझे देखे बिना नहीं रह सकती रवि। मैं भी कहा तेरे बगैर रह सकता हूँ, लेकिन अब तू फिक्र मत कर, बहुत जल्द आकर मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, बाबू भाई से कह देना कल छोटी गंगा के पुराने पुल पर आत्माराम का कत्ल हो जाएगा। ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी जिंदगी का सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, 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 मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रवि साहब, वाकई आपने सारे काम बड़ी सफाई और चालाकी से अंजाम दिए हैं, लेकिन जब तक आत्माराम के बेटे को फांसी और आरती की शादी मेरे बेटे सूरज से नहीं हो जाती, मैं आपकी मां को आजाद नहीं कर सकता। मैं जानता था कि आपके दिमाग का सांप यही जहर उगलेगा, लेकिन अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर दीजिए। कुछ दिन पहले एक कैबरे डांसर पूनम का कत्ल हुआ था और ये पूनम सूरज की खास दोस्त थी और ये चिट्ठियां हैं जो पूनम ने सूरज को लिखी है। और इन चिट्ठियों में यह भी लिखा है कि वो सूरज के बच्चे की मां बनने वाली थी। और ये कैसेट देख रहे हैं आप, इसमें आपके बेटे ने इकरार किया है कि पूनम का खून उसने किया है। ये सब झूठ है, बकवास है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और ये झूठ है आप साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी जो ट्रू कॉपीज है ना, वो जासूस रानी 009 के पास है और अगर आधे घंटे के अंदर अंदर मैं वहां ना पहुंचा तो ये सारे सबूत लेकर वो आईजी साहब के पास पहुंच जाएगी। फिर हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया का कोई भी लॉयर, कोई भी वकील आ जाए, आपके बेटे को फांसी के तख्ते से नहीं बचा सकता। तो मैं भी तुम्हें आत्माराम के खून के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा सकता हूं। तुम्हारे कातिल होने का मुकम्मल सबूत है मेरे पास।
ये रही वो तस्वीर। अगर आप ये तस्वीरें पुलिस को दे दें तो विक्की तो ब्याह हो जाएगा लेकिन आपको 10 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जासूस रानी 009 ने अगर ये कागजात ये प्रूफ आईजी साहब को दे दिए तो सूरज को फांसी हो जाएगी। अकलमंदी इसी में है कि अगर कुलाड़ी आपके पांव पर नहीं गिरी है तो कम से कम पांव को तो कुलाड़ी पर मत मारिएगा। हाँ, एक दिन आपने मुझे 10 सेकंड देकर कहा था कि फैसला करो कि तुम्हारी मां की जिंदगी 10 करोड़ से ज्यादा सस्ती है या महंगी। आज मैं आपको 10 सेकंड देकर कहता हूं कि फैसला कीजिए कि सूरज की जिंदगी 10 करोड़ से ज्यादा महंगी है या ज्यादा सस्ती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना मेरे बेटे की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है रवि साहब। कन्यादान जी, आप फौरन जाकर इनकी मां को आजाद कीजिए। मुझे रवि वर्मा साहब ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि पूनम के कत्ल के जो सारे सबूत आपके पास हैं, आप उन्हें लेकर आईजी साहब के पास चलें। आप ठहरिए, मैं अभी सारे सबूत लेकर आती हूँ। ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है डैड। वो सारे सबूत मैंने खुद पैदा किए थे सिर्फ 1 लाख की शर्त जीतने के लिए जो मैंने रवि वर्मा के साथ लगाई थी। लेकिन बेटे तेरी बात सुनेगा कौन? कैसे साबित करेगा कि सारे सबूत गलत और नकली हैं? पुलिस तो तुझे कातिल समझेगी ना। खबरदार, जो आगे बढ़े तुम। मेरी मौत का सामान तो तुम कर चुके हो। अब मैं फांसी के फंदे पर चढ़ के मर जाऊं या तुम्हारे हाथों, क्या फर्क पड़ता? मैं कहती हूँ रुक जा। अरे बेवकूफ लड़की, गौर से मेरी आंखों में देख, क्या इनमें किसी कातिल की दहशत या किसी बेगुनाह के खून के छींटे नजर आते हैं? आखिर किस बुनियाद पर तुमने मुझे पूनम का कातिल ठहराया? किस बुनियाद पर? उन सबूतों की बुनियाद पर जो मुझे तुम्हारे फ्लैट से मिले। अरे इडियट, वो सारे सबूत जो तुम्हारे हाथ लगे मेरी वजह से लगे। उस रात कमरा नंबर 106 में वो चिट्ठी मैंने जानबूझ कर गिराई। वो तमाम चिट्ठियां और वो डायरी मैंने खुद अपने हाथों से लिखी। खंजर जो पेटी के पीछे छुपा था मैंने ही मार रखा था। और जो बयान तुमने रिकॉर्ड किया वो मैंने अपने पूरे होश आवास में लिया, क्योंकि उस रात जो शराब तुमने मुझे पिलाई वो शराब नहीं चाय का पानी था जो मैंने खुद बदली किया। किसी की मौत का इल्जाम अपने सर पर लेने की वजह क्या मैं जान सकती हूँ? डैडी ने मुझे जेब खर्च देना बंद कर दिया। मुझे पैसे उड़ाने की आदत थी, मैं पाई पाई का मोहताज हो गया। उसी वक्त मुझे हसनपुर की राजकुमारी मिली जिसने मुझे तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। हस्तिनापुर की राजकुमारी, 1 लाख रुपए, प्रेम जाल, तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन सब झूठी बातों को मैं मान जाऊंगी? हाँ ये सच है। तुम्हारी सच्चाई का सबूत क्या है? इसका सबूत है, और एक ऐसा सबूत जिसके दिमाग और जिसके कलम को तुम ही नहीं सारी दुनिया सलाम करती है, लेखक रवि वर्मा। रवि वर्मा? क्या? हाँ, रवि वर्मा ने ही मुझे हस्तिनापुर की राजकुमारी से मिलाया, और उसने मुझे ये भी बताया कि पूनम का कातिल ढूंढने के लिए तुम कमरा नंबर 106 में जाओगी, और अगर तुम्हें ये पता चले कि पूनम का कातिल मैं हूँ तो तुम खुद ब खुद मेरे पास चले आओगे। और ये साबित हुआ। लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि उसे 1 लाख रुपए जीतने के चक्कर में मैं अपने दिल की बाजी हार गया। आरती, मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा, और इसका सबूत यह है कि आज तक मैं वो 1 लाख रुपए लेने के लिए रवि वर्मा के पास नहीं गया। ओह माय गॉड, जिसे मैं भगवान और अपने पिता के बाद इज्जत के काबिल समझती थी, उसी आदमी ने हम दोनों को अपने जाल में फंसा दिया। सूरज, रवि वर्मा ने पूनम की मौत का इल्जाम तुम्हें अपने सर पे लेने को कहा, और उसी केस की छानबीन के लिए मुझे कहा। कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि पूनम और मेरे पिता? कातिल रवि वर्मा ही है, और इस शक को यकीन में बदलने का बयान तो सिर्फ रवि वर्मा ही दे सकता है। उसका मासूम चेहरा और इस घिनौनी साजिश को मैं बेनकाब करके ही रहूंगा। नहीं सूरज, जोश में आकर कानून को अपने हाथ में मत लो। यह आरती जो कल तक तुम्हें खूनी समझती थी, आज तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम्हें चाहने लगी है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर मेरे बेटे के जिस्म पे खराश भी आई
तो मैं उस रवि वर्मा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबू भाई नहीं, उसके खून से अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। उसके मौत की तरकीब है मेरे पास। झूठ बोल रहे हो तुम। दुनिया का कोई भी शख्स किसी लड़की की मोहब्बत के खातिर खून का इल्जाम अपने सर नहीं ले सकता। लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए रवि वर्मा ने कहा था। तुम एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो। वो शरीफ आदमी नहीं है आजी साहब, क्योंकि उसने एक नहीं दो दो खून किए हैं और उसमें से एक खून का सबूत ये तस्वीरें हैं। ठीक है ना? ठीक इंस्पेक्टर। यस सर। अरेस्ट हिम। जमुनाथा जी आप? माफ करना रवि साहब, आपके घर बिना दावत के आना पड़ा। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर रवि वर्मा, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। मेरी बेटी के नाम गिरफ्तारी का वारंट? लेकिन किस जुर्म में? आपके बेटे ने खून किया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा भला किसी का खून क्यों करेगा? दौलत बुरी चीज है बहन जी, और उससे भी बुरी चीज है लालच। शायद खून करते वक्त रवि साहब ये भूल गए कि कलम की शाही से किसी बेकसूर के खून के धब्बे छुपाए नहीं जा सकते। इन्होंने आत्माराम जी का खून किया है। क्या? जी हाँ, और ये मैं नहीं कानून कहता है, जिसके पास इनके कातिल होने के सारे सबूत मौजूद हैं। रवि, क्या ये सच है? बोल, बोलता क्यों नहीं? झूठ की जबान नहीं होती बहन जी, इनकी खामोशी इनके कातिल होने का पक्का सबूत है। वाह बेटा वाह, जिस औरत ने एक मुजरिम के पैसों का चटकी पर सिंदूर भी अपनी मांग में नहीं लगाया, आज उसी औरत के दामन को किसी के खून से रंग दिया। तूने एक मां के विश्वास और बलिदान को धोखा दिया। चला जा बेटी, चला जा, चला जा। रवि वर्मा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने दफा 302 के तहत कैबरे डांसर पूनम और आत्माराम सक्सेना का खून किया है और दफा 420 के तहत सूरज को अपने जाल में फंसाकर खून का अपराध उन पर डालने की कोशिश की है। तुमको ये तीनों अपराध मंजूर हैं? जी नहीं योर ऑनर। तुम्हारा वकील कौन है? मैं खुद एक वकील हूँ, ये रहे मेरे कागजात। इस केस की पैरवी मैं खुद करना चाहूंगा। इजाजत है, सरकार की तरफ से वकील कौन है? योर ऑनर, सरकार की तरफ से वकील मैं हूं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि आज अचानक मेरे पांव में चोट लग जाने की वजह से श्री जमुना दास जी इस केस में मेरी मदद करें। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं और मेरा सबसे पहला गवाह है मुलजिम रवि वर्मा की मां देवकी वर्मा। 10 जून से लेकर 21 जून तक आप कहां थी? मेरे बेटे ने मुझे एक गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा था। क्यों? उसने कहा था कि मेरी जान को खतरा है और वो मुझे किसी गुप्त स्थान पर रखकर कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर जा रहा है। क्या आपको पता है कि दोनों खून जिनका इल्जाम इन पर है, आपके बेटे पर, उन्हीं दिनों हुए थे जिस वक्त आपको घर से बाहर रखा गया था? जी हाँ। और इस बीच ये बंबई से बाहर नहीं गए? मुझे तो यही कहा गया था कि वो बाहर जा रहे। क्या आप आत्माराम जी को जानती हैं? जी हाँ। वो कैसे आदमी थे? जैसदा, एकदम देवता। फिर आपके बेटे ने उनकी हत्या क्यों की? क्या वजह हो सकती है? वजह है बेटा, पापा नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा? एक दिन इसके बाप ने पैसे के लिए हम दोनों को छोड़ दिया और आज उनके बेटे ने पैसे के लिए खून कर दिया। जो होता कि ऐसा बेटा पैदा होने से पहले मर जाता, पर बात हो ऐसा बेटा किसी को नहीं दे वकील साहब, किसी को नहीं दे। मुझे जिस रात रवि वर्मा ने तुम्हें तरकीब बताई, उसी रात कैबरे डांसर पूनम का खून हो गया। जी। आगे क्या हुआ? फिर रवि वर्मा ने मुझे फोन करके ये बताया कि मैं पूनम के होटल के कमरे में जाकर कुछ ऐसी चिट्ठियां छोड़ दूं जिनसे आरती मुझे खूनी समझने लगे, और मैंने वैसे ही किया।
मतलब पूनम के मर्डर केस में तुम्हें फंसाने की सारी तरकीब रवि वर्मा की थी जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। तुम सरकारी गवाह से कोई सवाल करना चाहते हो? जी हाँ। कम डाउन एंड आस्क। पूनम का चाल चलन कैसा था? बहुत अच्छा था। वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर की लड़की थी। पूनम से तुम्हारी कहां और कब मुलाकात हुई थी? गोल्डन नाइट क्लब में, जहां वो पहली रात नाच रहे थे। वही रात जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था और उसने तुम्हारे ऊपर थप्पड़ मारा था या नहीं? हाँ मारा था। और फिर तुमने ये चैलेंज किया था कि 24 घंटे के अंदर तुम उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओगे। जी हाँ। वो फंसाने का रास्ता मैंने बताया था? जी नहीं। और तुम्हें भी मालूम था कि भाई 12 जून की रात को वो अपने कमरे में अकेली होगी? हाँ। और अपने बर्थडे केक के साथ वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? वो जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारे प्रेम जाल में फंस चुकी थी। फंस चुकी थी या नहीं? जी वो फंस चुकी थी। और उसके फंस जाने के बाद वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, यही तुम्हारी डायरी में लिखा है? ये झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि वो तुमसे शादी करना चाहती थी या नहीं? हाँ हाँ करना चाहती थी। लेकिन तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम आरती से प्यार करने लगे। हाँ मैं आरती से प्यार करने लगा था। और तुम आरती से शादी भी करना चाहते हो? जी हाँ करना चाहता हूं। पूनम तुम दोनों के बीच में रुकावट बन रही थी और उस रुकावट को मिटाने के लिए तुम 12 जून की रात को उसके कमरे में गए और मौका पाते तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है। ये सच है। और उसके बाद तुमने हर निशान हर सबूत को मिटा दिया। ये झूठ है। ये ऑर्डर सरासर झूठ है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया। जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता सूरज को शहर छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। पूनम के खूनी का पता लगाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? रवि वर्मा के फोन से। क्या कहा था उन्होंने? यही कि पूनम के कातिल का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और हाँ इसने मुझे ये भी याद दिलवाया कि अपराधी अपराध किए हुए जगह पर एक बार जरूर जाता है। और इस चालाक जासूसी राइटर ने चोर से तो कहा कि चोरी कर लो और पुलिस को होशियार कर दिया। और इसी तरह सूरज फंस गया। जज साहब सूरज ने पूनम का कत्ल नहीं किया है। रवि वर्मा की चालाकी का शिकार है सूरज। दैट्स ऑल योर ऑनर। Your witness. सबसे पहले जब आप मुझे मिली तो आपने मुझे मारने की धमकी दी थी। जी हाँ। और आपने पिस्तौल दिखाकर मुझसे क्या मांगा था? आपका ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्यों मांगा था? क्योंकि मैं आपके पीछे पागल थी। और उस वक्त मैं आपसे शादी करना चाहता था तो क्या आप शादी के लिए मना कर सकती थी? जवाब दीजिए कि आप शादी के लिए मना कर सकती थी। जी नहीं। अगर उस वक्त मैं आपसे शादी कर लेता तो क्या मैं आत्माराम जी की दौलत का आधा हिस्सेदार ना होता? जी हाँ। तो फिर मैं आत्माराम जी का खून क्यों करता? मुझे क्या मालूम। अरे कमाल है, आप इतनी जासूसी किताबें पढ़ती हैं, अपने आप को 009 कहलाती हैं। दफा 302 के तहत कोई भी खून बिना मकसद के किया जा सकता है? जवाब दीजिए हाँ या ना। जी जी नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। खून का मकसद भी था योर ऑनर और सबूत भी था, क्योंकि मिस्टर रवि वर्मा बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आरती सूरज से मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत का नाटक कर रही थी। असल में वो रवि वर्मा के लिए पागल थी, उनके लिए दीवानी थी, और रवि वर्मा जब भी चाहते उससे शादी कर सकते थे। लेकिन आरती से शादी करने से रवि वर्मा को आत्माराम की सिर्फ आधी दौलत मिल सकती थी, वो भी आत्माराम के मौत के बाद। लेकिन अगर आत्माराम का खून हो जाता और उसके इल्जाम में उनका बेटा वीकी फांसी पर चढ़ जाता तो रवि वर्मा को सारी दौलत मिल सकती थी। खून का मकसद था आत्माराम की सारी दौलत हासिल करने का लालच। और खून का सबूत ये तस्वीरें हैं मिलॉर्ड। और ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि रवि वर्मा ने दिन के उजाले में एक नियत थे और शरीफ इंसान पर गोलियां बरसा दी, आत्माराम की हत्या कर दी और उसकी लाश को नीचे पानी में गिराकर उसका नामो निशान तक मिटा दिया। रवि वर्मा मुर्दाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। अगर आइंदा ऐसी नारेबाजी की गई तो सबको अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इसे कहो कल 3 बजे। ओके। क्या कहा उसने? उसने कहा विक्की से कहो कल 3 बजे। योर ऑनर, मैं अदालत को एक टेप सुनाना चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। टेप की गई बातचीत को सबूत नहीं माना जा सकता। सबूत तो मुलजिम के बयान को भी नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाता है, और वही मौका मैं अदालत से चाहता हूं। इजाजत है। टेप सुनाने से पहले
मैं अदालत को एक बात बताना चाहूंगा कि सारे मामले की जड़ जो है वो 10 करोड़ रुपया है जो श्री चिमनलाल जी ने सिंगापुर से रिजर्व बैंक के थ्रू आत्माराम जी को भेजा। और जैसे ही बाबूभाई जमनादास जी को इस बात का पता चला उनके मुंह में पानी आने लग गया। वो सपने देखने लगे इस 10 करोड़ को हासिल करने के लिए, और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक आदमी से 11 लाख रुपए का सौदा किया। ये झूठ है, ये झूठ है कसम। ऑर्डर ऑर्डर। और इस बात का सबूत है ये टेप जिसमें बाबू भाई और जमुना दास उस तीसरे आदमी से मिलने गए थे उस होटल के कमरे में, और उस तीसरे आदमी ने कहा बाबू आइए तशरीफ रखिए। आप आइए ना जमुना दास जी, कहिए साहब आपने अपना प्लान तैयार कर लिया। हम ये चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपया जो आत्माराम जी को मिलने वाला है वो आप तक पहुंचे। ये सब झूठ है, ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। बाबू भाई आप बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ भी कहना हो विटनेस बॉक्स में आकर कहो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है जज साहब कि ये रवि वर्मा एक बहुत खतरनाक आदमी है। इसका दिमाग आदमी का नहीं एक शैतान का है। पहले इसने मेरे बेटे सूरज को फंसाया और अब मुझे फंसाना चाहता है। इस टेप में जो आवाज है वो तुम्हारी है या नहीं? नहीं जैसा बिल्कुल नहीं। मैं इस टेप के बारे में कुछ नहीं जानता। इस आदमी ने कुछ नाटक वालों के साथ मिलकर हमारी आवाजों की नकल करके एक झूठी कहानी बनाई। न मैंने कभी किसी के 10 करोड़ लेने की कोशिश की, न कभी किसी आदमी को इस काम के लिए रखा है। तुमने कुछ पूछना है? आप कहते हैं कि आपने किसी भी आदमी को इस काम के लिए नहीं रखा। मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है, सच कह रहा हूं। गीता पे हाथ रख के कसम खाने वाला एक आदमी यहाँ मौजूद है जो ये कहता है कि आप दोनों ने उसे 11 लाख रुपए देने का वादा किया था और 1 लाख रुपए एडवांस दिया था। वो आदमी बयान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो बयान दे ही नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बयान दे दिया तो वो खुद भी फंस जाएगा, और वो फंसना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना गला खराब कर लिया था। आपको कैसे मालूम कि उसने अपना गला खराब कर लिया था जी? आपको कैसे मालूम कि शरीफ आदमी ने अपनी आवाज बदल ली थी? वो शरीफ ही नहीं, टूटा है धोखेबाज है बदमाश। आपको कैसे मालूम कि वो शरीफ नहीं टूटा है बदमाश है? हो सकता है कि आप झूठे हो आप बदमाश हो। नहीं, वो झूठा है कमीना है बदमाश है दगाबाज है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे जानते हो? क्या जानता हूँ, वो आदमी जो टेप में आवाज बदल के बोल रहा है वो तुम हो, तुम हो तुम। ये झूठ है, ये झूठ है, वो आदमी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये झूठ नहीं सच है, एकदम सच है। जज साहब इस आदमी ने सौदा मेरे सामने किया था। तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? हाँ गवाह है। कौन? ये वकील जमुना दास जी जो उस वक्त होटल के कमरे मेरे साथ थे। ये सौदा इनके सामने हुआ है लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमारी आवाजें टेप कर रहे हैं, इसलिए जानबूझ के उन्होंने अपना गला खराब किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेप सच है, इसमें हर बात सच है और इसमें आवाजें जो है वो आप दोनों की है, और आप दोनों मिलकर आत्माराम जी के 10 करोड़ रुपए ले लेना चाहते थे। That's all, your honor. Court is adjourned for lunch. हम फिर दोबारा यहाँ 2 बजे मिलेंगे। क्या जरूरत थी ये बताने की कि वो रवि वर्मा की आवाज थी? उसे फंसाने में खुद फंस गए। फंस तो गया हूँ मैं लेकिन अब उसे भी नहीं छोड़ूंगा। क्या 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 कर लोगे? पहले उसने मेरे बेटे को फंसाया, अब मुझे फंसाना चाहता है। अगर अदालत ने उसे मौत की सजा नहीं दी तो उसे मौत मैं दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उस राइटर की जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा। मैं योर ऑनर, यह मुकदमा 10 करोड़ का नहीं है, यह मुकदमा है खून का 420 का। ये टेप जिसमें रवि वर्मा ने अपनी आवाज बदलकर बात की है उनकी 420 का सबूत है, और यह तस्वीरें उनके कातिल होने का। मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि इस केस को बेकार बातों में उलझाने के बजाय अगर रवि वर्मा के पास अपनी सफाई में कोई ठोस सबूत हो तो वो पेश किया जाए। योर ऑनर, आत्माराम जी की मौत नहीं हुई है, वो जिंदा है। ये दगाबाज सरासर धोखा दे रहा है साहब। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे दगाबाज कहने वाले शायद ये समझकर बहुत खुश हो रहे थे कि आत्माराम जी की मौत हो चुकी है, क्योंकि हकीकत में वो चाहते थे कि आत्माराम जी की मौत हो जाए। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि वो जिंदा है? इस वक्त 3:10 बाकी हैं,
दस सेकंड पूरे होते ही आपको सबूत मिल जाएगा। रवि साहब विकी पापा वहां नहीं है? आ गए? पता नहीं, सुबह तो वही थे, मैंने उन्हें 3 बजे अदालत में आने को भी कहा था। विकी पापा जिंदा है क्या? हाँ जिंदा है। योर ऑनर, कुछ देर पहले आपने टेप पर एक नाटक सुना था, अब यहाँ पर इस वक्त एक दूसरा ड्रामा चल रहा है। इन दोनों ने मिलकर, मतलब रवि वर्मा और विकी ने मिलकर आत्माराम का खून किया, और अब ये ऐसा ड्रामा दिखा रहे हैं जैसे कि आत्माराम अभी भी जिंदा है। जज साहब मैं सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी कहना हो विटनेस बॉक्स में आकर कहो। जज साहब, मुझे एक दिन सरकारी वकील जमुना दास मिले और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बोले कि मेरे पिता आत्माराम जी का खून हो गया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा का खून हो गया है, और उनसे मैंने पूछा जमुना दास जी वो कौन हो सकता है? उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें छुप कर रहना होगा। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो आत्माराम जी के खून का हम बदला नहीं ले पाएंगे। और इन्होंने मुझे एक घर में छुपा दिया, जहां एक रात ये आए और मुझसे कहने लगे कि मेरे पापा के कातिल का पता चल चुका है। और जज साहब, जब मैंने उनसे पूछा कि कातिल कौन है, तो कहने लगे राइटर रवि वर्मा। ये तुम? हाँ मैं मिस्टर रवि वर्मा। मेरे बाप को मौत की नींद सुलाकर तुम चैन की नींद नहीं सो सकते। आज मैं अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बारूद का यह खिलौना तेरे हाथ में ही सही, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। शड़ा पन का मित्र जी, पिताजी आप जिंदा हैं? हाँ बेटे जिंदा हूँ। लेकिन आपका कातिल समझकर पुलिस मेरी तलाश कर रही है, और आप जिंदा होते हुए भी अब तक खामोश थे। देखो बेटे, दरअसल तुम भी मेरी ही तरह रवि साहब के शतरंज के एक मोहरे हो। मैं भी आपकी तरह शत... मैं कुछ समझा नहीं। जिस तरह कस्तूरी की खोज में बेकसूर हिरण को अपनी जान देनी पड़ती है, उसी तरह बाबू भाई के प्लान के मुताबिक आत्माराम जी का मरना बहुत जरूरी था। प्लान? कैसा प्लान? उन्होंने मेरी माँ को किडनैप किया और मुझसे एक प्लान बनवाया, और उस प्लान के मुताबिक मुझे आत्माराम जी को उस ब्रिज पर ले जाना था जहाँ पर पहले से ही यमुना दास दांत लगाए खड़ा था, और वहां पर मैंने इन पर गोलियां बरसाई नकली। और उस दिन से मैं इसी जगह पर हूं। रवि साहब, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहानी बनाई है? अगर आत्माराम जी जिंदा थे तो तुम उन्हें पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए? तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाती। क्योंकि उनकी जान को खतरा था। जज साहब, तुम जानते थे कि तुम्हारी बहन आरती अपने पिता के गायब हो जाने से कितनी परेशान है? तुमने उसे बताया कि वो जिंदा है और सुरक्षित है? बोलो जवाब दो। क्योंकि रवि साहब ने मना किया था। रवि साहब ने मना किया था? मतलब आप रवि साहब के इशारों पर नाचते हैं, वही करते हैं जो रवि साहब कहते हैं, और अदालत में बयान देते हैं कि यह सब कुछ मैं आपसे करवाता रहा हूं। आपने रवि साहब के सेक्रेटरी से मोहब्बत की, उसके लिए अपने बाप को जान से मार डालने की धमकी दी, आत्माराम जी का खून होने के बाद बहुत दिन तक कहीं छुपे रहे, और उसके बाद रवि साहब के कहने पर भागते भागते आए और कहने लगे कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वाह, जबकि असलियत यह है योर ऑनर कि इन दोनों ने मिलकर बहुत पहले ही आत्माराम जी का खून किया है। योर ऑनर, रवि वर्मा को समझा दिया जाए कि अदालत है अदालत, कोई नाटक का स्टेज नहीं, जहां वो अपनी जासूसी कहानियां सुनाकर लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर इनके पास इन तस्वीरों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हो तो पेश किया जाए, वरना शराफत से अपना गुनाह कबूल किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। तुमको इन तस्वीरों के बारे में कुछ कहना है? योर ऑनर, ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि आत्माराम जी और मेरे अलावा कोई तीसरा आदमी और था जो चुपचाप खड़ा वहां कत्ल को देख रहा था, तस्वीरें ले रहा था। या तो आत्माराम जी का दुश्मन था जो उनकी मौत से फायदा उठाना चाहता था, या तो मेरा दुश्मन था जो तस्वीरें लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। जो कोई भी तीसरा आदमी था वो एक बुरा आदमी था। योर ऑनर,
ये तस्वीरें मेरे काबिल दोस्त जमुना दास जी ने खुद पुलिस को दी थी। योर ऑनर, ये फोटो मैंने नहीं खींचे हैं, ये किसी ने मुझे पोस्ट से भेजे थे जो मैंने पुलिस को दे दिए। योर ऑनर, जिस वक्त तस्वीरें ली जा रही थी एक फोटोग्राफ मेरी सेक्रेटरी ने भी लिया था और उस फोटोग्राफ में मेरे और आत्माराम जी के अलावा काफी दूरी पर हाथ में कैमरा लिए हुए हमारी फोटो खींचते हुए साफ नजर आते हैं जमुना दास जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां पर मौजूद थे और आत्माराम जी का खून होते हुए देख रहे थे, लेकिन खून होने के बाद पुलिस स्टेशन नहीं गए। योर ऑनर, सारी दुनिया जानती है कि कुछ जालसाज अलग अलग फोटो को मिलाकर एक फोटो बना लेते हैं। मेरे काबिल दोस्त अदालत को ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो तस्वीरें खींची है वो असली है और जो तस्वीरें हमने खींची है वो नकली है। बात बड़ी सीधी सी है, तस्वीरें नकली हैं तो सभी नकली हैं, तस्वीरें असली हैं तो सभी असली हैं। ये झूठी तस्वीरों को पुलिस स्टेशन में देखकर मुझ पर खून का इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे खिलाफ वारंट इशू करके एक शरीफ आदमी को बदनाम किया जा रहा है। योर ऑनर, अदालत के पास इन तस्वीरों के अलावा और कोई सबूत नहीं। अगर ये तस्वीरें झूठी हैं तो ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये मुकदमा झूठा है तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझ पर आत्माराम के लगाए खून के इल्जाम वापस ले लिए जाए और मुझे बाइज्जत रिहा किया जाए। इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता योर ऑनर, क्योंकि रवि वर्मा पर कैबरे डांसर पूनम के खून का और उस खून के अपराध में सूरज को फंसाने का इल्जाम भी है। आत्माराम का खून हुआ हो या ना हुआ, पूनम डांसर का खून जरूर हुआ है, उसकी लाश भी मिली है। उसकी सफाई के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? पूनम के खून के सिलसिले में मैं इंस्पेक्टर दाते से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? तुमने अदालत में जो कुछ भी कहा है क्या वो सच है? हाँ, वो बिल्कुल सच है, पापा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको कैसे पता चला कि पूनम के खून के सबूत आरती के पास है? मुझे आपने ही फोन किया था। किस तारीख को? 22 जून को। कितने बजे? 4 बजे। आपको फोन पे क्या क्या कहा गया था? यही कि मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ, आरती से जाकर कहिए कि सूरज के खिलाफ जो सारे सबूत हैं उन्हें ले जाकर आईजी साहब को दे दे। उससे पहले कभी आप मुझे मिले थे या आपने मुझसे कभी बात की थी? जी नहीं। यानी कि कोई भी आदमी आपको रवि वर्मा के नाम से फोन कर सकता था और आप ये नहीं पहचान सकते थे कि वाकई फोन करने वाला रवि वर्मा है या नहीं? जी हाँ। यूमी को। योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब के बयान से साफ जाहिर होता है कि किसी ने अपने आप को रवि वर्मा कहकर सूरज को पकड़वाने में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आदमी कौन है जो सूरज को पकड़वाना चाहता है, फंसाना चाहता है, क्योंकि यह खून सूरज ने किया ही नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये खून सूरज ने नहीं किया, जबकि सारे सबूत उसके खिलाफ है? योर ऑनर, पुलिस ने उसकी डायरी पढ़ी है, खत देखे, उसकी टेप सुनी है जो आरती ने पुलिस को दी है, लेकिन किसी का भी ध्यान पूनम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर नहीं गया। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि पूनम का बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसका खून। एक तरफ पुलिस सूरज की डायरी और खतों में विश्वास करके यह मानती है कि पूनम सूरज से बेहद प्यार किया करती थी और उससे बार बार अकेले में मिला करती थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और दूसरी तरफ पुलिस ये मानती है कि सूरज पूनम का बलात्कार करेगा। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जो चीज प्यार से मिले उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी जो प्लान करके किसी का मर्डर करने जाए वो अपने साथ चाकू या रिवॉल्वर लेकर जाते हैं। केक काटने वाली छुरी का इस्तेमाल वही किया करते हैं जो बलात्कार से बचना चाहे या बलात्कार करना चाहे। मेरे ख्याल से ऑनर, सूरज को ना तो जबरदस्ती करने की जरूरत थी और ना ही पूनम को अपने आप को बचाने की जरूरत थी। पूनम का खून ही वही है जिसने उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसका खून किया, और वो आदमी किसी भी सूरत में सूरज नहीं हो सकता। रवि साहब, आपने मेरे बेटे को बचाया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। आपके बारे में बुरा सोचने की माफी चाहता हूँ। जमुना दास को कहीं देखा? कमीनी, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं माफी मांगने भगवान के पास कभी जाऊंगा भी नहीं, मैं तो आपके पास आया हूँ। जमुना दास, ये बता तू चाहता क्या है? बस आप जैसे महापुरुष का एक छोटा सा ऑटोग्राफ। इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि आपने 10 करोड़ रुपयों की रकम अपनी मर्जी से दास चैरिटी ट्रस्ट को दान की है। ये रकम मेरे ट्रस्ट में जमा हो जाएगी, आपको पुण्य मिलेगा,
और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि ये रकम एक अनाथालय को दान की जा रही है। जमनादास, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। अरे गलत काम करने और कराने में मैं बहुत पुराना उस्ताद हूँ, ये काम मैं करके ही रहूंगा। अच्छा इसी में है कि आप अपनी मर्जी से यह दान कीजिए, कल तक यह दान नहीं हुआ तो मुझे आपके औलाद की बलि चढ़ानी पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी। हे भगवान। अरे यार मेरा लाइटर मिला नहीं साहब। देखो गाड़ी में होगा पड़ा हुआ, अब मैंने सब जगह देख लिया, कहाँ होगा। अच्छा चलो, लाइटर कहीं मैं वहां तो नहीं भूला। मेरा रूम नंबर तो याद है ना, 106 बाय। मैं जानती थी तुमसे रो रहा होगी, मेरे जन्मदिन पर तुम मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। आई लव यू सूरज। तुम्हारी जवानी का दास जो बरसों से तुम्हारे हुस्न के आग में जल रहा है, लेकिन किस्मत ने आज मौका दिया। क्यों ठीक है ना टी? दे मुझे। एक दिन इसी अदालत में रवि वर्मा ने एक कहानी सुनाकर सूरज मेहता को पूनम का खूनी ठहराने की कोशिश की थी, और अब दूसरी कहानी सुनाकर सूरज मेहता को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों कहानियों के लिए उन्हें कितनी रिश्वत मिली ये तो सिर्फ रवि वर्मा ही जान सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पूनम का खूनी सूरज मेहता नहीं है तो खूनी रवि वर्मा है। रवि वर्मा हर रात उस नाइट क्लब में जाते थे, पूनम का डांस देखते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है योर ऑनर कि पूनम किसी और से प्यार करती थी, और जो चीज प्यार से नहीं मिलती लोग उसे छीनना चाहते हैं, और एक राइटर होने के नाते रवि वर्मा हर खूबसूरत चीज से प्यार करते हैं। मैं हर खूबसूरत चीज से प्यार जरूर करता हूं लेकिन उसका बलात्कार नहीं कर सकता योर ऑनर। अगर मैंने पूनम का बलात्कार किया होता तो उसका खून भी करता, और अगर मैंने उसका खून किया होता तो मैं सूरज को बेगुनाह साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसके खिलाफ इकट्ठे किए हुए सबूत जो मेरे पास आरती लेकर आई थी मैं उसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में दे देता, लेकिन मैंने आरती को भी पुलिस स्टेशन में जाने से रोक लिया। उस दिन नहीं पहुंचाए लेकिन कुछ दिन बाद तो पहुंचाए। इंस्पेक्टर दाते को फोन किया कि वो आरती से मिलकर सबूत ले ले। योर ऑनर ये फोन भी मैंने नहीं किया, अगर मुझे फोन करना होता तो मैं आरती को करता क्योंकि वो मेरी आवाज को पहचानती है, लेकिन ये फोन इंस्पेक्टर साहब को किया गया है जो मेरी आवाज को नहीं पहचानते, और अगर यही फोन आरती को किया गया होता तो उस आवाज को पहचान जाती और खूनी पकड़ा जाता। ये फोन आपने नहीं किया तो फिर किसने किया है? आपने। क्या कहा? मैंने। जी आपने, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि सूरज बच जाए क्योंकि पूनम का खून आपने किया है। योर ऑनर ये सरासर झूठा इल्जाम है, सरकारी वकील की तोहीन है। आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खून के हाथ से मेरी बेइज्जती हो। योर ऑनर मुझे 3 मिनटों की मोहलत दी जाए और इन 3 मिनटों में मैं साबित कर दूंगा कि पूनम का खून जमादार जी ने किया है। और अगर तुम साबित ना कर सके तो मुझ पर लगाए हुए सब इल्जामों की सजा में भुगतने के लिए तैयार हो जाऊंगा। All right, I give you 3 minutes. Your Honor, इससे पहले मैं कुछ सवालात अपने काबिल दोस्त से करना चाहूंगा। मैं ऐसे आदमी के बेकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ।
जो खुद खून करके दूसरों को खूनी ठहराता है। मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार करके मेरे काबिल दोस्त ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है, और इस यकीन की वजह है पांच बातें। पहली बात कि जिस रात पूनम का कत्ल हुआ उस रात मेरे काबिल दोस्त उस नाइट क्लब में मौजूद थे। तुम भी वहां मौजूद थे। योर ऑनर, सरकारी वकील ने तुम भी कहकर इस बात का इकरार कर लिया है कि कत्ल की रात ये भी वहां मौजूद थे। और दूसरी बात, भारती के पास सूरज के खिलाफ सबूत है, ये सिर्फ पांच आदमी जानते थे। सूरज, बाबू भाई, आरती, मैं और जमुना दास। इसमें से एक आदमी ने अपने आप को बचाने के लिए 22 तारीख की शाम को 4 बजे सूरज को फंसाने के लिए इंस्पेक्टर साहब को फोन किया। अब सवाल ये उठता है कि इन पांच में से वो एक कौन है? सूरज अपने आप को नहीं फंसाएगा, बाबू भाई अपने बेटे को नहीं फंसाएंगे, आरती और मैं अगर उसे फंसाना चाहते तो बहुत पहले फंसा देते। हो सकता है आपके दिमाग में सूरज को फंसाने का ख्याल बाबू भाई से सौदा करने के बाद आया हो। कैसा सर? वो तुम्हारी माँ को आजाद कर दे और तुम उनके बेटे को। ये झूठ है, मैंने ऐसा कोई सौदा नहीं किया। नहीं, ये सच है, सौदा मेरे सामने हुआ है, और उसके बाद मैं खुद तुम्हें कार में बिठाकर तुम्हारी माँ को आजाद कराने ले गया। थैंक यू वकील साहब, मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर, वकील साहब खुद मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के मेरी मां के पास ले गए, क्योंकि सिर्फ यही जानते थे कि किडनैप करने के बाद मेरी मां को कहां रखा गया है। योर ऑनर, ये मुकदमा किसी मां की किडनैपिंग का नहीं है, पूनम के कत्ल का है। हाँ हाँ, ये पूनम के कत्ल का है। कातिल ने सोचा कि मुझमें और बाबू भाई में सौदा हो जाने के बाद सूरज साफ साफ छूट जाएगा और कातिल पकड़ा जाएगा, इसलिए जब मुझे मेरी मां के पास ले जा रहे थे ये, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको, मैं अभी सिगरेट लेकर आता हूं। ये साहब सिगरेट लेने कहां गए? सिगरेट? सिगरेट का पैकेट तो मेरे पास रहता है, और साहब का सिगरेट तो मैं ही लेके आता हूं। कितने बजे? 4 बजे साहब। खूनी ने ठीक 4 बजे इंस्पेक्टर दाते को फोन किया और इस बात की गवाही जमुना दास का ड्राइवर देने के लिए तैयार है। सर, ये लाइटर तुम्हें कहां से मिला? ये लाइटर आप पूनम की लाश के पास छोड़ा है। जमुना दास, हरामजादे, मेरे बेटे को फंसाना चाहता था। एक खून करो या 10, सजा तो एक ही होती है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो पूनम की तरह इसे भी उड़ा दूंगा। आरती सुनो, इस वक्त इसके सर पे खून सवार है, जैसे कहता है वैसे करो, जाओ इसके साथ। जाओ। आपने आरती को ऐसा क्यों कहा कि उसके साथ जाओ? यही हमें आत्माराम तक पहुंचाएगा, चलो इसका पीछा करें। बुड्ढे ने साइन किया? नहीं नहीं किया। ले गया उसे हेलीकॉप्टर ऊपर तैयार है। आइए आत्माराम जी, आइए। साइन तो मैं आपसे ये देश छोड़ने के बाद भी करवा सकता हूँ, आप अंदर बैठिए, चलो जल्दी। पुलिस हमारे पीछे है, ख्याल रखना। चलो जल्दी। Thank you.
रवि साहब। मैंने तुझे गलत समझा था। आज मुझे तुझ पर गर्व है। माँ अगर तुझे सचमुच गर्व है ना तो अपनी मांग में सिंदूर। हाँ माँ, कई साल से देख रहा हूँ कि तुम्हारी मांग सुनी पड़ी है। सब कुछ जान गया हूँ माँ कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। लेकिन वो है कहाँ? तुम्हारे पीछे। अभी तो दो सवाल पूछना बाकी है। सूरज पहले तुम। अरे बुरा ना पहले। अरे यार ये पहले तुम के चक्कर में कहीं पब्लिक नहीं निकल जाए इसलिए मैं पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि सर आपने कोर्ट में ये चैलेंज किया था कि आप कातिल को 3 मिनट के अंदर बेनकाब कर देंगे अगर आप नाकाम होते तो। मेरे प्लान का पन्ना सूरज जो आखिरी पन्ना था वो तो कोर्ट में खत्म होना था और प्लान के मुताबिक मैंने जानबूझकर अपने आप को गुनहगार ठहराया ताकि मुजरिम खुद चलकर कोर्ट में आए तो आए। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो जो लाइटर आपके पास था वो पुलिस को पूनम के कमरे से तो नहीं मिला तो आपके पास कैसे आया? जमनादास जी वो लाइटर जब सिगरेट लेने गए तो गाड़ी में भूल गए वो मैंने उठा लिया। उन्हें ये याद रहा कि वो लाइटर खो बैठे हैं लेकिन कहाँ खो बैठे हैं वो उन्हें मालूम नहीं था इसलिए वहां पे पकड़े गए वो। वेरी गुड सर। जासूस रानी 009 सैल्यूट यू सर। नमस्ते जी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बाबू भाई और चमनलाल ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। नमस्ते जी। कहिए क्या हाल चाल है? हुक्म हो तो पूछना एक सवाल है। का आपके दूंगा मैं दूंगा जवाब।